वापीनी कर्मचारी भविष्य निधि संगठननी प्रादेशिक कचेरी खाते प्रयास पहल कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आमां सात कर्मचारीओने कंपनी तरफथी निवृत्तिना दिवस पेन्शन चुकवणी हुकमनी नकल प्रदान करवामां आवी हती। आ प्रसंगे उपस्थित प्रादेशिक भविष्य निधि कमिश्नर शेखर कुमारे निवृत्त कर्मचारीओने पेन्शन चुकवणीनुं वितरण करती वखते जणाव्युं हतुं के आवा प्रयासो पहले कार्यक्रमो चालू रहेशे, जेना द्वारा कर्मचारीओने निवृत्तिना दिवस पेन्शननी चुकवणीना ऑर्डर आपवामां आवशे। तेमणे कर्मचारी भविष्य निधि संगठनना काममां संबंधित एम्प्लॉयरोना सहयोगनी आशा व्यक्त करी छे। क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वापी, आप ये कोविड महामारी के दरमियान जब से ये 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित हुआ है, अति विशिष्ट सेवा एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय लगातार निरंतर प्रयासरत रहा है कि सेवाओं में कहीं कोई त्रुटि और कमी ना रह जाए। इसके अंतर्गत गुजरात राज्य के अंतर्गत जो हमारा उद्देश्य था सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर्स, और वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के सही सुचारू रूप से उनको मिलता रहे, ऐसे में जो मापदंड हमारे हमें मिला हुआ है, उस मापदंड के अंदर जितने दिनों के अंतर्गत हमें दावों का निपटारा करना है, हमें कोविड क्लेम्स एडवांसेस जो भी दिए गए उनका निपटारा करना है, उसके अंतर्गत पूरे गुजरात क्षेत्र में 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय वापी ने 3 दिन के अंतर्गत 100% कोविड क्लेम्स का निष्पादन किया है, और साथ में 10 दिन के अंतर्गत जितने भी दावा पत्र हैं, और ये दावा पत्र 35,000 से लेकर 40,000 तक प्रति मास, और पूरे गुजरात में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति निष्पादन जो 135 तक गया है, जो टारगेट से हमेशा काफ़ी ऊंचा रहा, ऊंचा स्तर का रहा है। हमने इस कोविड को रोकथाम, और ताकि हमारे जो स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इससे बचे रहें और साथ में हम अपनी सेवा भी देते रहें, इसके अंतर्गत हमने व्हाट्सएप ग्रीवांसेस के लिए वो सुविधा प्राप्त करवाई है। नीचे हमने नीचे वीडियो ऑडियो, ताकि 1-to-1 संपर्क जो भी मेंबर हमारे कार्यालय में विजिट करते हैं वो वीडियो ऑडियो के अंतर्गत अपनी जो भी समस्या है वो यहाँ बताकर उसका निष्पादन हाथ हाथ करवा के संतुष्ट होकर यहाँ से जाए। अभी ये नवंबर मास आप देख रहे हैं कि DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स होते हैं उनको जमा करना होता है, ऐसे में लगभग 17,000 पेंशनर्स में 50% के ऊपर हमने DLC CSC सेंटर्स के द्वारा और ऑनलाइन उमंग ऐप द्वारा प्राप्त कर लिया है, और संभवतः ये 100% में हम पहुँचेंगे दिसंबर मास तक। अभी आज नवंबर मास के अंतिम वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे होने के अंतर्गत प्रयास पहल जो हमारे हेड ऑफिस ने, EPFO ने, क्षेत्र भविष्य संगठन ने हमें दिया है दायित्व, आज हम 7 से 10 पेंशनर्स ऐसे हैं जो आएंगे, जिन और हम एक अतुल कंपनी लिमिटेड में भी हम जाने वाले हैं, जहां ये पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऐसे सेवानिवृत्त जो आज के दिन ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बीइंग द लास्ट वर्किंग डे, उनको हम हाथ हाथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर उनको निर्गत करेंगे। ये कायम रहेगा कि खाली आज के लिए? ये प्रयास ये जो है ये निरंतर अब ये कायम रहेगा, और हर महीने हम पहले से ही जो संस्थान होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जितने ऐसे लोग हैं उनको सॉर्ट आउट करके, जिनका पेंशन हमें देना है मंथ के एंड में, जो सुपर इन्वेट जो सेवानिवृत्त होंगे 58 साल के पश्चात, उनको देने के लिए
ये हर प्रतिमा लास्ट वर्किंग डे में हम पेंशन पेमेंट ऑर्डर ऐसे मेंबर्स को हाथ के हाथ प्रस्तुत करेंगे। क्लेम करने का प्रोसेस है इस तरीके का, जो भी निष्पादन होता है एस्टैब्लिशमेंट्स अगर डिफॉल्ट में नहीं है और उनका पेमेंट्स हमें प्राप्त हो जाता है महीने के पहले, तो सारा प्रोसेसिंग। ऐसे भी हमारा ऑफिस विद इन 7 डेज सभी तरह के क्लेम्स का निष्पादन कर रहा है, तो हमारे लिए ये सुविधा हो जाती है। सारे पेमेंट्स आए हुए होते हैं, जिनकी सेवा निवृत्ति होने वाली रहती है उनका हम पहले से सारा प्रोसेस करके ताकि उन तक हम ये पहुंचा सके ये सुविधा, जो सेवा भाव है, जो सेवा हमें करने के लिए यहाँ बैठाया गया है। हमारे सभी जो स्टाफ और ये हैं ये कार्यबद्ध हैं इस तरह का